हे गाइस, पहाड़ी स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजाता। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कैसे आप अपनी अलमीरा है उसको क्लीन कर सकते हैं, उसके दाग धब्बे जो उसमें स्पॉट्स पड़ जाते हैं ब्लैक, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए, वन साइड की जिसकी मैं अभी सफाई कर रही हूँ उसको मैंने अभी क्लीन करा है, आप उसकी शाइन देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दूसरे वाले डोर की, तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो इस क्लीनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डिश वॉश लेना है। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैं डिश वॉश ले रही हूँ, आपके पास डिश वॉश नहीं है तो डिटर्जेंट का प्रयोग भी कर सकती हैं। इसके बाद हमें लेना है खाने का सोडा, तो 2 चम्मच यहाँ पे मैं खाने का सोडा ले रही हूँ, जो नॉर्मल हम जैसे बेकिंग में यूज़ करते हैं पकौड़ों में क्रिस्पी बनाने के लिए। और उसके बाद हम लेंगे कोलगेट, जो नॉर्मल कोलगेट होता है वाइट कलर का, उसको ही हमें लेना है। तो दोनों सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी हमने 2-2 चम्मच ली है, तो 2 चम्मच ही मैं कोलगेट लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप और एक पेस्ट बना लीजिए। ये काफ़ी स्ट्रांग पेस्ट है जो आपके दाग धब्बे अलमीरा के जो स्टोन्स होते हैं मेटल होता है उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये पेस्ट बनके हमारा रेडी हो चुका है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपकी अलमीरा बहुत ज़्यादा गंदी है तो यहाँ पे आप विनेगर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच विनेगर ले रही हूँ कि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, लिक्विडी पेस्ट। और ये देखिए, इसमें बहुत अच्छा फॉर्म आ चुका है। तो हमारा पेस्ट ऑलमोस्ट बन के तैयार है लगाने के लिए। तो इस पेस्ट को दोस्तों आप अलमीरा के साथ साथ अपने जो मेटल की शोकेस हैं उसको क्लीन करने में भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी उसमें शाइन आज ला सकते हैं, चाहे आप कॉपर के हों मेटल हों, उसको क्लीन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें एक नई चमक ये लेके आएगा, जितनी भी मेटल की चीज़ें आप उनसे क्लीन कर सकते हो इस पेस से। तो मैं आपको अलमीरा में करके बता रही हूँ, तो देख सकते हैं आप मेरी अलमीरा बहुत ज़्यादा गंदी है। तो आपको यहाँ पर एक स्पॉन्ज की सहायता से इसे पूरे अलमीरा में लगा लेना है, अप्लाई कर लेना है। तो देखिए, मैं एक साइड वाले में पहले आपको अप्लाई करके बता रही हूँ, नॉर्मल जैसे आप डिश वॉश करते हैं बर्तनों को धुलते हैं वैसे आपको इसे अप्लाई करना है। आप स्क्रबर स्पॉन्ज कुछ भी ले सकते हैं, हार्ड स्क्रबर मत लीजिए, उससे क्या होगा कि जो आपका मेटल है उसमें स्क्रैच पड़ेंगे। थोड़ा सॉफ्ट टाइप का जो स्पॉन्ज होता है उसे लीजिए। तो अगर आपकी अलमीरा बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप मिनिमम इसे 15 मिनट्स ऐसे ही छोड़ दिए। मेरी अलमीरा इतनी गंदी नहीं है तो मैंने इसे छोड़ा नहीं है, तो मैं इसे गीले कपड़े से साफ कर लूँगी। आपको कपड़ा हल्के से गीला करना है, गीला इसलिए क्योंकि जो भी कोलगेट होता है डिश वॉश होता है उसमें झाग होता है, तो इसकी सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे मैंने कहा, अगर आपका जो अलमीरा है वो बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप उसे थोड़ी देर छोड़ सकते हैं, मिनिमम 15 मिनट। मैंने नहीं छोड़ा है क्योंकि मेरी अलमीरा इतनी गंदी नहीं है। तो देखिए, इसे उसके बाद आप गीले कपड़े से साफ करने के बाद एक कॉटन के कपड़े से, ड्राई कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो मैंने कॉटन के कपड़े से इसे क्लीन कर लिया है। आप इसमें डिफ्रेंस देख सकती हैं दोनों में कि इधर वाला कितना शाइन कर रहा है और चमक आ रही है। अब मैं दूसरे वाले को आपको करके बताती हूँ कि उसे कैसे हमें क्लीन करना है। तो यहाँ पे भी मैं लगा लूँगी, जैसे आपने देखा होगा कि जो हैंडल्स होते हैं वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं खोल के, बार बार हम इसे यूज़ करते हैं, अपने गंदे हाथों से यूज़ कर सकते हैं। और मिनिमम आपको मंथ में या 2 मंथ में इसकी अलमीरा की क्लीनिंग करनी ही चाहिए, उससे एक शाइन बनी रहती है, एक हाइजीन बना रहता है, क्योंकि उसी चीज़ से हम अलमीरा ओपन करते हैं, उन्हीं चीज़ों से कभी हम खा लेते हैं बच्चों के लिए। तो उसमें भी मैं अच्छे से स्क्रबिंग कर लूँगी और इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आज मैं जिनका नाम अपने चैनल में लेने जा रही हूँ उनका नाम है आस्थानी की। आप भी चाहते हैं आपका नाम मैं अपने चैनल में लूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में अपना नाम ज़रूर मुझे सेंड कीजिए। तो देखिए, मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है गीले कपड़े से, उसके बाद मैं कॉटन के कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लूँगी। आप रिज़ल्ट खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिज़ल्ट इसका आया है। ये देख सकते हैं आप, दोनों में इफ़ेक्ट देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ यार एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।